Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain your chapter number from your book Welcome Life, and the name of the chapter is Meaningful Impact of Group Cooperation and Leadership, Class 12th, Punjab School Education Board. तो चलिए करते हैं कि कोऑपरेशन और लीडरशिप जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, किसी पर भी. द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज सच दैट दे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ other students in their classes which can be both negative and positive. तो जो कहते हैं कि स्कूल में जो विद्यार्थी अपनी जिंदगी बिताते हैं, अपनी जिंदगी के पल बिताते हैं, उसमें वो consciously या subconsciously या तो जानबूझकर या फिर अनजाने में, कहते कि दूसरे स्टूडेंट्स का जो इम्पैक्ट होता है उन पे, इन्फ्लुएंस जो होता है वो जरूर होता है. वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है. जदों तुसी क्लास के विच इकट्ठे सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे हो तो जिहड़े तुहाडे नाल दे सहपाठी होंगे उन्होंने तुहाडे उत्ते कोई ना कोई असर जिहड़ा है वो जरूर होंगे. ये पॉजिटिव भी हो सकता है तो नैगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. द एक्टिविटीज ऑफ दिस लैसनस आर रिलेटेड टू अवॉइडेंस ऑफ mass violence, avoiding bullying, having good company, not doing any work under pressure, and taking initiative towards the mutual cooperation. ठीक है, तो कहते हैं द एक्टिविटी ऑफ दिस लैसन, इस लैसन दे विच जेड़ियां भी एक्टिविटीज आ रही ने वो किदे नाल रिलेटेड ने, अवॉइडेंस ऑफ मास वायलेंस, कि बच्चों के विच एक जड़ा हुंदा है वायलेंस हुंदा है, ठीक है. वो वायलेंस नू मतलब नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना, अवॉइडिंग बुलिंग, दूजिया नू तंग करना, जिहड़ा हुंदा है बच्चे एक दूजे नू तंग करते हैं वो चीज़ नू तो बचना. हैविंग गुड कंपनी, अच्छी कंपनी जिहड़ी है रखना. नॉट डूइंग एनी वर्क अंडर प्रेशर, कोई भी काम जिहड़ा हैगा, कोई भी काम है वो अंडर प्रेशर नहीं करना कि आप पे कोई दबाव है उसके अंडर आप वो कर रहे हो. एंड टेकिंग इनिशिएटिव टुवर्ड्स म्यूचुअल कोऑपरेशन, और आपने पहलकदमी किसकी तरफ करनी है, एक दूसरे के सहयोग में, ठीक है जी. की कहता है लैसन कि जिहड़ी इस लैसन दे विच एक्टिविटीज़ ने वो सानू किस चीज़ तो बचन लई कहंदियां ने कि असी वायलेंस जिहड़ी हिंसा है उस तो बचिए, दूजिआं नू तंग करन दी जिहड़ी प्रवृत्ति है तो बचिए, ठीक है. सही जिहड़ी है बच्चिआं दी कंपनी दे विच रहिए, और कोई भी काम जिहड़ा है दबाव दे तहत ना करना, ते एक दूजे नूं कोऑपरेट करन दे लई पहलकदमी करना. In this lesson, the student peer group is mainly taken as an example of ideal peer group. और इस lesson में जो student peer group है, peer होते हैं आपके साथ ही, ठीक है. student peer group जो है mainly taken as an example, उसको मुख्य तौर पे लिया गया है उदाहरण के तौर पे, of ideal peer group की एक आदर्श जो आपके साथ ही होते हैं उनका group क्या होता है, ठीक है जी. तो इस लैसन दे विच असी की करांगे कि जिहड़े बच्चे है क्लास दे विच रहिंदे हुए बहुत सारे बच्चियां दे कॉन्टैक्ट दे विच आंदे आ, उन्हां तो बहुत सारे चंगे गुण भी सीख लैंदे आ, कुछ माड़े गुण भी सीख लैंदे आ, क्योंकि उहदा असर तां हुंदा ही है कंपनी का. पर असी अवॉइड किस चीज़ नूं करना है, इस लैसन का मेन जिहड़ा मकसद है वह की है कि बच्चियां नूं इस गल तो बचाना कि वायलेंस नहीं करनी, उन्होंने किसी नूं तंग नहीं करना, उन्होंने चंगी कंपनी दे विच रहना है, किसी दबाव के तहत काम नहीं करना, और आपसी जिहड़ी सहयोग है उसके नाल अगे वधना है. तो इस दे लई एक बच्चे का ग्रुप लिता हुआ है, तो उस ग्रुप दे विच जिहड़े एक आइडियल पीयर ग्रुप है उस दा जिहड़ा एग्जाम्पल लिता गया है. तो एक्टिविटी वन है रोल प्ले. स्टूडेंट्स विल डू दिस रोल प्ले इन द क्लास इन कोलैबोरेशन विद देयर टीचर. स्टूडेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. आफ्टर प्लेइंग देयर रिस्पेक्टिव रोल्स बोथ द ग्रुप्स ऑफ द क्लास विल अडॉप्ट द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस इन वर्ड. ठीक है जी, तो पूरा जो क्लास है उसको दो ग्रुप्स में बांटा जाएगा और टीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, और उन जो अपने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स होंगे, जो उनको रोल दिया जाएगा कि आपने ये वाला रोल जो भूमिका है जो वो निभानी है, वो दोनों ग्रुप करेंगे. और फिर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, आपसी बातचीत जो है वो वाला तरीका जो भी बताया जाएगा टीचर के द्वारा वो अपनाएंगे. एंड आंसर द क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड, और जो इस एक्टिविटी के दौरान
रोल प्ले के दौरान जो उनको प्रश्न दिए जाएंगे उनके वो आंसर देंगे। ठीक है जी, तो दो बच्चों का ग्रुप बनूंगा, उस दो ग्रुप के विच टीचर भी इन्वॉल्व होएगा ते वो उन्होंने कोई एक्टिविटी करन दे लिए कहेगा, उन्होंने जो जो उन्होंने द्वारा रोल किया जाना है उन्होंने वो अपना अपना रोल निभाएंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे, एक दूजे नाल गलबात करेंगे ते जो भी क्वेश्चन उन्होंने पुट किए जाएंगे उन्होंने वो आंसर देने की कोशिश करेंगे। अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर टीचर द स्टूडेंट्स विल परफॉर्म अ रोल प्ले रिलेटेड टू द मीनिंगफुल इफेक्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड लीडरशिप अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। टीचर की गाइडेंस के अंडर उसके जो मार्गदर्शन के साथ द स्टूडेंट्स विल परफॉर्म अ रोल प्ले, जो विद्यार्थी हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, वो अपनी भूमिका निभाएंगे रिलेटेड टू द मीनिंगफुल इफेक्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड लीडरशिप, कि जो कोऑपरेशन है सहयोग है और जो नेतृत्व है, ठीक है, अगर ये दो चीजें जो हैं एक इंसान में हो तो उसका पूरे ग्रुप पे क्या फर्क पड़ता है। द स्टूडेंट विल प्ले द रोल ऑफ टीचर्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर का रोल प्ले करेंगे। द टीचर्स कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस प्ले इफ दे विश, और अगर टीचर चाहें तो वो खुद भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, बच्चे ने बहुत डिमांड की थी जी कि पंजाबी च भी बोलिया जाए, तो मैं नाल पंजाबी भी करती जा रही हूँ। तो जिहड़ा टीचर है उहदी अगवाई हेठ जिहड़े बच्चे है एक रोल प्ले करनगे, ठीक है, जिहदे विच कि दस्सिया जाएगा कि जेकर असी आपसी सहयोग नाल रहने आ, एक तुहाडे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, ठीक है, अगवाई करन दी जे तुहाडे अंदर क्वालिटी है, गुण है, तो उस दा पूरे ग्रुप के उत्ते की फर्क पैंदा है। ठीक है, तो इस नाल ही जेकर टीचर भी उस रोल प्ले दे विच अपना भूमिका निभाना चाहते हैं तो वह कर सकते नहीं। नेक्स्ट, टीचर मनिंदर वाई आर यू सीटिंग सो क्वाइटली, द चाइल्ड ब्लोज फर्दर डाउन एंड रिमेन साइलेंट। अब एक जो टीचर का रोल प्ले कर रहा है वो कह रहा है कि मनिंदर आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हो, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट सर ही डिडेंट इवन कम टू स्कूल यस्टरडे, तो पहला विद्यार्थी कहता है कि वो कल भी स्कूल नहीं आया। ही स्कैबल्ड विद हिज पेरेंट्स फॉर अ बुलेट मोटरसाइकिल सेइंग दैट हिज फ्रेंड्स हैव बुलेट मोटरसाइकिल एंड ऑल ऑफ देम मेक फन ऑफ हिम, ठीक है। एट हिज स्कैबल्ड का की मतलब हो गया बच्चों, मतलब झगड़ा करना। ही स्कैबल्ड विद हिज पेरेंट्स फॉर अ बुलेट मोटरसाइकिल, कि उसने अपने मम्मी पापा के साथ एक बुलेट मोटरसाइकिल के लिए झगड़ा किया, सेइंग ये कहते हुए दैट हिज फ्रेंड्स हैव बुलेट मोटरसाइकिल, कि उसके दोस्तों के पास बुलेट मोटरसाइकिल है, एंड ऑल ऑफ देम मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाते हैं कि क्या उसने अपने पेरेंट्स को कि मेरे सारे दोस्तों को ले बुलेट मोटरसाइकिल है, तुम मैनू नहीं दवाते, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। ही इवन थ्रेटन्ड नॉट टू गो टू स्कूल और रन अवे फ्रॉम होम इफ दे डिड नॉट बाय हिम द मोटरसाइकिल, और उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन मीन्स होता है धमकी देना, ये धमकी भी दी कि अगर वो उसे मोटरसाइकिल नहीं दिलाएंगे तो वो स्कूल नहीं जाएगा और घर से भी भाग जाएगा। ठीक है जी, तुहाडे विचों भी कई बच्चे इदां दे होणगे जिन्हां कोले मोटरसाइकिल है, लेकिन असीं की करदे आ कि असीं अपने फ्रेंड्स ते उकसान दे नाल, कुछ एक दोस्त हुंदे आ जिहड़े कि तुहानूं उकसा दिंदे आ किसी चीज़ दे लई, ते तुसीं फिर घरदिआं नाल जाके लड़ाई करदे हो। पर इह गल बच्चों ध्यान विच जरूर रखियो कि तुहाडे पेरेंट्स अपनी पॉकेट दे अनुसार तुहानूं हर फैसिलिटी देण दी कोशिश करदे है। सो इह चीज़ करना कि अपने दोस्तों के पिछे लग के अपने मम्मी पापा ना लड़ाई करना बहुत बुरी गल है। सर हिज पेरेंट्स आर वेरी अपसैट, तो फिर वो बच्चा कहता है कि ये पेरेंट्स जोड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा अपसैट ने, बहुत उदास ने। वी ऑलसो ट्राइड आर बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट सच बॉयज हु कॉज अदर मेंटल हैरेसमेंट और ट्रबल देयर पेरेंट्स कैन नॉट बिकम गुड फ्रेंड्स। और कहती कि सर इस हमने इसको ये भी समझाने की कोशिश की, वी ऑल्सो ट्राइड, हमने ये कोशिश की ये समझाने की कि जो ऐसे लड़के होते हैं ना वो अपने माँ बाप को जो है वो मेंटल हैरासमेंट करते हैं, मेंटली मतलब उनको मानसिक तौर पे जो है वो ख़राब करते हैं और उनके मम्मी पापा को मुसीबत में डालते हैं, और कभी भी उनके मम्मी पापा उनके अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। ठीक है, जिहड़े बच्चे अपने मम्मी पापा नूं तंग करदे आ, ईवन कि उन्हां नूं सारियां फैसिलिटीज़ दित्तियां जांदियां उस तों बावजूद भी, तां पेरेंट्स उन्हां नूं
जड़ा है अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन सकते, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्होंने तंग ही बहुत करते हैं। सो वट इफ योर पेरेंट्स कैनोट अफोर्ड इट, तो जेकर तुहाडे पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तुहानू दे ही नहीं सकते, यू कैन बाय इट विद योर हार्ड अर्नड मनी लेटर ऑन, और तुसी अपने पैसे कमाओ बाद विच, ठीक है, जदों भी तुसी कमाउन जोगे हो जाओगे फिर उहदे नाल लै लो तुसी, ठीक है जी। पेरेंट्स को ट्रबल में डालने के बजाय, उनको मेंटल हैरेसमेंट करने के बजाय, उनको मतलब उनसे उनके दिल से एक दूरी बनाए रखने के बजाय, बेटर होगा कि हम अगर ऐसा चाहते हैं कि हमें एक बुलेट मोटरसाइकिल मिले, तो क्यों ना हम खुद मेहनत करें, अपने पैसे कमाएं और उससे लें। यू कैन बाय इट विद योर हार्ड एंड मनी लेटर ऑन, व्हाट सॉर्ट ऑफ इशू इज़ दिस, ये कितनी की बड़ी बात है, कितना का बड़ा इशू है। एज इट इज़ बुलेट मोटरसाइकिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलिंग इन स्टडीज़, तो स्टडी करने के लिए जो है बुलेट मोटरसाइकिल जो है वो ज़रूरी नहीं है। जेकर तुसी स्कूल दे भी जाना, तुसी साइकिल ते भी आ सकते हो, तुसी पैदल भी आ सकते हो, बहुत दूर होंगे तुसी बस ते भी आ सकते हो, बट सानू हमेशा की देखना चाहिए कि साडे पेरेंट्स अपने वालों अपना बेस्ट दे रहे हैं सानू, उन्होंने सानू जो भी फैसिलिटीज दित्तियां ने उन्निया के ही सानू फैसिलिटीज दे सकते हैं, तो उन्होंने तंग करन दा कोई मतलब नहीं बनता। अ स्टूडेंट, सर यू नो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास यूज टू मेक फन ऑफ मी एंड कॉल्ड मी हे शॉर्टी, हे फैटी, हे ब्लैकी एंड मैनी मोर। आई वुड गेट वेरी एंग्री इन द बिगनिंग, आई इवन यूज टू फाइट। तो उस तो बाद एक स्टूडेंट जिहड़ा है वह कहिंदा है कि सर तुहानू पता है कि मेरी क्लास के सारे विद्यार्थी जिहड़े सी मेरा मजाक उड़ाते सी, की कह के छोटे कद का कहिंदे सी मैनू, मोटा कहिंदे सी मैनू, काला कहिंदे सी मैनू, ठीक है, तो होर पता नहीं की कुछ कह के बुलाउंदे सी मैनू। तो आई वुड गेट एंग्री इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग दे विच तां मैं बहुत ही गुस्सा करता सी, आई इवन यूज टू फाइट, तो मैं लड़ता भी सी, ठीक है। जब स्टार्टिंग में आपको कोई आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेके कुछ कहता है तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर आपने अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, तो यू विल इग्नोर ऑल दैट, ठीक है। सर व्हेन यू कॉल्ड मी टू द लैब लास्ट ईयर एंड एक्सप्लेन्ड टू मी, द मोर यू गेट एंग्री द मोर दे विल टीज यू, उन्होंने क्या कहा कि जितना आप गुस्सा करोगे उतना ही वो तुम्हें ज़्यादा जो है तंग करेंगे। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, और एक ही इस चीज़ का हल है, यू डोंट गेट एंग्री एंड दे विल स्टॉप हैरसिंग, और कहते कि आप गुस्सा करना छोड़ दो, वो आपको तंग करना छोड़ देंगे, ठीक है। जदों तुसी किसी ते चिढ़ाउन ते चिढ़दे हो तां फिर इह उमर ही इदां दी हुंदी है कि दूजे बच्चे तुहानूं ज़्यादा खिचाउंदे है, तुहानूं चिढ़ा के उहनां नूं मजा आउंदा है। कुछ एक बच्चे हुंदे है इदां दे कि उहनां नूं दूसरिआं नूं टीज़ करके अच्छा लगता है, तो जेकर कोई बच्चा चिढ़दा है तो उहनूं जानबुझ के चिढ़ाउंदे नूं। आई टुक योर वर्ड फॉर इट, कहिंदे मैं तुहाडे जिहड़े शब्दां ते अमल कीता, आई जस्ट डिडंट पे अटेंशन टू वट दे सैड, और उन्होंने मैनू जो कुछ भी कहते सके मैं वो वाले ध्यान नहीं सी दिंदा, ठीक है। जब आपको कोई चिढ़ाता है तो उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, यही एक अच्छा सोल्यूशन है उन लोगों को इग्नोर करने का। वैन समबडी स्पोक काइंडली, और जदों कोई तुहाडे नाल चंगी तरह गल करता है, आई वुड लिसन टू दैम इंटेंटली, और मैं उन्होंने ध्यान नाल सुनूंगा, ठीक है। जब कोई आपसे अच्छी तरह से बात करता है तो आप उसको अच्छे से सुनो। आफ्टर अ वाइल दे स्टॉप्ड टेस्टिंग मी ऑन देयर ओन, व्हाट वुड दे हैव लॉस्ट हैड आई लेफ्ट द स्कूल, द लॉस वुड हैव बीन जस्ट माइन, ठीक है। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, दे स्टॉप्ड टीजिंग मी, उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, ऑन देयर ओन, अपने आप ही, व्हाट वुड दे हैव लॉस्ट हैड आई लेफ्ट द स्कूल, कहते कि वट वुड दे हैव लॉस्ट, उन्होंने क्या खोया होता अगर मैं स्कूल छोड़ देता, मुझे चिढ़ा रही हैं, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, मैं मुझे नहीं स्कूल जाना है, ठीक है। द लॉस वुड हैव बीन जस्ट माइंड, तो इससे मेरा ही नुकसान होता। जेकर कोई तुहानू डिग्रेड करन दी कोशिश करता है तो सब तो बेस्ट सोल्यूशन की हुंदा उहदा कि उसकी गलत ध्यान देना बंद कर दो, ऑटोमैटिकली अपने आप तुहानू जिहड़ा
तंग करना बंद कर देंगे, तो डीग्रेड करना बंद कर देंगे। पर जेकर तुसी चिढ़ जाने हो, तुसी उस प्लेस नू छड़दे हो, तां उहदे विच नुकसान की रहा तुहाडा ही है, क्योंकि हर थां ते तुहानू कोई ना कोई इदां दा बंदा मिलेगा ही, तां तुसी किन्नी देर तक भज्जोगे उस थां तों। टीचर, मनिंदर दिस चिल्ड्रन आर ऑलसो योर क्लासमेट। मनिंदर ए बच्चे भी तुहाडे क्लासमेट ने। टीचर कहिंदा है लुक वट गुड थिंग्स दे से, देखो ये किनिया चंगिया चीज़ा किनिया चंगिया गल्ला कह रहे हैं। हाउ गुड इट वुड बी इफ वी कुड डिस्टेंस आर सैल्फ फ्रॉम बैड कंपेनियंस एंड कम क्लोजर टू दीज वाइज क्लासमेट्स। कहते कि चंगा होएगा जेकर तुसी उन्ना बुरे साथियों छड़ के इन्ना चंगे सियाने जेडे सहपाठी है उन्ना दे नज़दीकियाँ बनाओ। ठीक है, तो टीचर क्या समझाता है कि मनिंदर देखो ये बच्चे भी तुम्हारे ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, ये कितनी अच्छी बातें कर रही हैं, अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा कि तुम उन उन साथियों को छोड़ दो जो तुम्हें चिढ़ाते हैं एक मोटरसाइकिल के लिए, क्यों नहीं तुम इन बच्चों के साथ आते जो सियानी बातें करते हैं। आई वुड एडवाइस यू टू लेट योर फ्रेंड्स मीट योर गुड क्लासमेट्स। कहते मैं तुम्हारे दोस्त को मतलब मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने उन दोस्तों को इन अच्छे दोस्तों से मिलवाओ। डियर मनिंदर प्लीज टेल मी हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ योर हैव बुलेट मोटरसाइकिल। मनिंदर इज साइलेंट। ठीक है, अब टीचर जो है वो मनिंदर से पूछता है कि कितने दोस्तों के पास बुलेट मोटरसाइकिल है, तो मनिंदर चुप हो जाता है। हुन मनिंदर चुप क्यों है, क्योंकि सारे को मोटरसाइकिल है नहीं, कुछ एक को है तो कुछ एक दे पीछे लगता क्यों है। लेट अस लीव द आउटसाइडर्स। कहते बाहर वाले दोस्तों छोड़ो। सन बेटा कैन यू टैल मी हाउ मैनी ऑफ योर क्लासमेट्स हैव दिस मोटरसाइकिल। की तुम दस सकते हो कि थोड़े जोड़े सहपाठी है उन्होंने किन्ने जनिया को मोटरसाइकिल है। ठीक है, तो अब मनिंदर के पास कोई जवाब तो होता नहीं, मनिंदर रिमेन साइलेंट, मनिंदर चुप रहता है। मोस्ट ऑफ द बॉयज इन द क्लास स्पीक, और बहुत सारे बच्चे जो क्लास में हैं वो बोलते हैं सर वी डोंट हैव, और ज़्यादातर बच्चे की कहते हैं कि सर साढ़े को तो है नहीं बुलेट मोटरसाइकिल। यस वी हैव स्मॉल मोटरसाइकिल्स। हाँ साढ़े को छोटे मोटरसाइकिल है, क्योंकि सबके पास छोटे मोटरसाइकिल्स मतलब एक नॉर्मल मोटरसाइकिल तो होते ही हैं। दैट टू बिलोंग टू आर फादर। तो वो भी कि उन्होंने फादर दे, वो अपने पापा का जो मोटरसाइकिल है वो लेके आते हैं। वी रेयरली गेट देम स्पेशली वन मॉम हैज़ टू गो विद अस। हम उसे कब लेते हैं, जब मेरी मम्मा ने कहीं जाना होता है तब हम उसे जो लेते हैं। ठीक है, टीचर द टीचर एक्सप्लेन्स टू द स्टूडेंट्स। हुन टीचर बच्चियां नूं कुछ मतलब एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सप्लेन कर दिया। चिल्ड्रन दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। कहते इहनूं असीं सहपाठियां दा या जिहड़े तुहाडे साथी है उहनां दा दबाव कहिंदे आ, कि कुछ एक लोग जिहड़े है तुहाडे माइंड ते प्रेशर पाउंदे है कि तुहाडे कोल आने तुहाडे कोल ओ नहीं है ना, भी तू साडे स्टेटस दा नहीं है, तू साडे वर्गा नहीं है। तो शुड यू कम अंडर प्रेशर ऑफ दोज पीयर ग्रुप? नो, यू शुड नॉट कम अंडर प्रेशर विद एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज सिचुएशंस आर डिफरेंट, फाइनेंशियल कंडीशंस आर डिफरेंट, एंड यू नो बैटर योर पेरेंट्स। उन्हों की जिनी पैकेट पॉकेट अलाउ कर दी है वो थानू दे रहे ने। मैनी चिल्ड्रन ट्यून देयर फ्यूचर अंडर दिस प्रेशर। बहुत सारे बच्चे है जो अपने दोस्तों के दबाव के तले आके अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेंगे हैं। तो क्या आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहिए दूसरों के प्रेशर के अंडर आके? बट सम चिल्ड्रन मेक देयर फ्यूचर गोल्डन विद द हेल्प ऑफ देयर पीयर्स। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स इदां दे भी है जिहड़े कि अपने सहपाठियों के नाल अपने दोस्तों के नाल अपनी जिंदगी नूं सुनहरा भविख जिहड़ा है अपनी जिंदगी दे विच बनांदे है। ठीक है, अगर तो आप ऐसे लोगों के प्रेशर में आओगे जो कि नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी जो है आपके अंदर डालती हैं, तो फिर आपका फ्यूचर तो डार्क में जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप उन बच्चों के कंपनी में रहते हो जो बच्चे अच्छे अच्छी सोच के मालिक हैं, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को समझते हैं, आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, तो फिर आप अपना फ्यूचर जो है वो सुनहरी बना सकते हो। इट इज़ अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है। सन बेटा हाउ मच इन्फ्लुएंस वी एक्सेप्ट, कि हम कितना का प्रभावित होते हैं, हम दूसरों से कितना का प्रभावित होते हैं। एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ? ऑल द चिल्ड्रन इन यूनिसन यस सर, सब बच्चे एक साथ बोलते हैं कि यस सर आप बिल्कुल ठीक कहते हो। नवरूप
सर आई हैव हैड पोलियो सिंस माई चाइल्डहुड. अब नवरूप क्या कहता है, कहता कि मुझे तो अपने बचपन से ही पोलियो था. आई कम टू स्कूल ऑन अ ट्राइसिकल. तो मैं तो स्कूल अब बाइसिकल तो चला नहीं सकता था, तो तीन जो टायर वाला साइकिल था मैं वो चलाता था. ऑल द चिल्ड्रन इन द स्कूल यूज टू टीज मी एंड कॉल मी लेन. सारे बच्चे जो थे स्कूल में वो मुझे चिढ़ाते थे और मुझे लंगड़ा बोलते थे. आई यूज टू गेट वेरी एंग्री. मैं बहुत गुस्सा होता था. पुष्पिंदर इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी. पुष्पिंदर मेरे आगे बैठा हुआ है. ही इज़ माई नेबर. वो मेरा पड़ोसी है. ही यूज टू से, वो कहता था टू डे डोंट वरी अबाउट देम टू मच, कि उनके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो. वी डोंट नो वट दे विल बिकम इन फ्यूचर. हमें नहीं पता कि भविष्य में वो क्या बनेंगे. बट यू आर अ स्टूडियस बॉय, लेकिन तुम एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो. यू स्टैंड फर्स्ट एवरी ईयर, और तुम हर बार जो है फर्स्ट आते हो. सर पुष्पिंदर वॉज स्ट्रोंगर देन ऑल अदर क्लासमेट्स. जो पुष्पिंदर था वो दूसरों से ज़्यादा शक्तिवान था. ही सपोर्टेड मी. उसने मुझे जो था सहारा दिया. दैट इज वाई दे स्टॉप्ड हैरासिंग मी. इसलिए उन्होंने मुझे तंग करना छोड़ दिया. थैंक्स टू हिज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. मैं उसकी सपोर्ट के लिए उसका धन्यवाद करता हूँ. आई हैव रीच्ड क्लास 12th. मैं अभी 12th क्लास में हो गया हूँ. ही ब्रिंग्स मी टू स्कूल ऑन माई ट्राइसिकल डेली. और कहते कि वो मुझे मेरे ट्राइसिकल पे मुझे स्कूल रोज लेके आता है. ठीक है जी. तनवरूप ने की क्या कि मैनू तो बचपन तो ही पोलियो सीगा जी. ठीक है. तो मैं स्कूल ट्राइसिकल ते आंदा सी ते मैनू सारे स्कूल दे बच्चे जिहड़ा लंगड़ा कह के छेड़ते हुंदे सी ते मैनू बहुत ही गुस्सा आंदा सी. लेकिन कहिंदे कि जिहड़ा पुष्पिंदर जो कि मेरा पड़ोसी सी जो मेरे अगे बैठा हुंदा है, ठीक है, कहिंदा उहने मैनू दस्सिया कि इहनां दी बाली परवाह ना कर. तू पढ़न वाला बच्चा है, पढ़, तू हमेशा फर्स्ट आउणा है. ठीक है. ते कहिंदे उस दी इस सपोर्ट ने मैनू बहुत सपोर्ट कीता सीगा. ते इहनां बच्चे ने अपने आप ही मैनू तंग करना छड़ दिता सी. हुण मैं 12वीं च हो गया, लेकिन हजे तक ये मैनू अपनी ट्राईसिकल ते लैके आंदा है. पुष्पिंदर सर आई वॉज वीक इन इंग्लिश एंड मैथामैटिक्स. हुण पुष्पिंदर की कहिंदा, कहिंदा सर मैं तो इंग्लिश ते मैथ दे विच बहुत कमजोर सी, बट नवरूप स्पीक्स इंग्लिश लाइक एन इंग्लिश मैन एंड मैथमैटिक्स इज ऑन हिज चिप्स. पर कहिंदे जिहड़ा नवरूप सी ना उहनूं इंग्लिश ऐ आंदी सी जिवें कोई अंग्रेज बोलदा है, ते मैथ तां उहदियां टिप्स ते सी. वैन आई यूज टू गेट स्कोल्डिंग ड्यूरिंग इंग्लिश एंड मैथ मैथमेटिक्स पीरियड ही यूज टू फील सुपीरियर. कहते वैन आई यूज टू गेट स्कोल्डिंग, कहते जो मैनू झिड़का पैदा सी ना, तो वह कहते इंग्लिश के मैथ की क्लास के अपने आप में वधिया समझदा सी. दैन ही स्टार्टड हैल्पिंग मी विद द सबजैक्ट्स इन द ईवनिंग. फिर कहते उन्हें मैंने शाम को मदद की इन्होंने दोनों सबजैक्टों के. नवरूप स्टूड फर्स्ट. नवरूप जिहड़ा सी फर्स्ट आया एंड आई सिक्योर्ड सेकेंड पोजिशन इन 10th. तो मैं दूजी पोजिशन जिहड़ी सी वो हासिल की. ठीक है. अब ये क्या थी, ये कॉपरेशन थी, अंडरस्टैंडिंग थी, कॉपरेशन थी. अब पुष्पिंदर कहता है कि ठीक है मैंने इसको सपोर्ट किया था, बट ये भी बात सही है कि मैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स में वीक था और ये अच्छा था. जब भी मुझे डांट पड़ती थी तो ये खुश होता था, लेकिन शाम के वक्त ये मुझे क्या करता था, इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाता था. अब इसकी फर्स्ट पोजीशन आई और मेरी सेकेंड आई. कौन सी क्लास में, 10th क्लास में. ड्यू टू दिस कॉपरेशन आई एम परस्यूइंग 12th क्लास इन नॉन मेडिकल स्ट्रीम विद प्राइड. और कहते गर्व के साथ मैं अभी ये कह सकता हूँ कि इसकी कॉपरेशन की वजह से, इसके सहयोग की वजह से मैं जो है 12th क्लास में नॉन मेडिकल लेके पढ़ रहा हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है. सर वी मीट गुड एज वेल एज बैड पीपल. कि श्रीमान जी हम अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, बुरे लोगों से भी मिलते हैं. इट इज़ अप टू अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड. तो कहते ये तो हम पे निर्भर करता है ना कि हमें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है. तुहाडे विचों सारा बच्चे जिहड़े प्लस टू दे विच है वो समझते हैं कि वट इज़ गुड एंड वट इज़ बैड, तुहानू ये पता हुंदा है. लेकिन जानबुझ के कई बच्चे जिहड़े अपने पेरेंट्स नू अपने दोस्तों के पिछे लग के तंग करते हैं, तो वह बहुत बुरी गल है. बच्चों सानू सहयोग नाल रहना चाहिए है, परिवार के विच भी ते दोस्तों के नाल भी. सानू उन्हां दोस्तों का त्याग कर देना चाहिए जिहड़े सानू गलत राह ते लैके जांदे आ. ते हमेशा उन्हां दे नाल कोऑपरेशन रखनी चाहिए है, उन्हां दे नाल अपना साथ रखना चाहिए जिहड़ा कि तुहानू सही राह दे वल लैके जांदे ने. टीचर गुड वैल सैड डियर स्टूडेंट्स, पीयर प्रेशर हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नैगेटिव इफेक्ट. हुण टीचर कहिंदा कि बहुत अच्छे बच्चों,
जिहड़ा पीयर प्रेशर है, जिहड़े तुहाडे साथियां दा इक दबाव है, वो पॉजिटिव ते नैगेटिव दोनों तरह का तुहाडे उत्ते इफेक्ट लेके आंदा है। इफ योर फैलो मेट्स हैव अप्रेसिंग डोमिनेटिंग वायलेंट इफेक्ट ऑन यू, इट इज़ नैगेटिव। जेकर तुहाडे जिहड़े दोस्त ने जिहड़े तुहाडे नाल रहिंदे ने, जे वो तुहानूं मतलब डिग्रेड करदे ने, जे वो तुहाडे उत्ते कमांड करदे ने, जे वो उहनां दा तुहाडे उत्ते एक वायलेंट इफेक्ट हुंदा है, तां वो नैगेटिव है। इफ योर फ्रेंड्स आर गुड, दे कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ बैड परसन इंटू अ गुड परसन। पर जेकर तुहाडे दोस्त अच्छे ने, तां वो बुरे परसन नूं भी चंगा परसन बना सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसानों से मिलते हैं, ठीक है, जो बुरे इंसान होंगे वो हमें डिग्रेड करेंगे, वो हम पे डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उनका वायलेंट इफेक्ट होगा हमारे ऊपर, क्योंकि जब हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, जब हम नेगेटिविटी में चले जाएंगे, तो नेचुरली हमारा जो अग्रेसिव या वायलेंट बिहेवियर हो जाता है। पर जब आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे तो फिर क्या होगा, अगर आपको गुस्सा आता भी है, अगर आप में कुछ बुराइयां है भी, तो वो आपकी उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी अलाउन रादर देन बी इन अ बैड कंपनी। और कहते कि हमेशा अलग रहना बेटर है रादर देन कि आप एक बुरे लोगों की कंपनी में रह रहे हो। कल्ले रहना चंगा है बेकार लोगों की कंपनी के बीच रहन ना लो। बट इन योर क्लास देयर इज़ नो रीजन टू बी लोनली और अलोन। लेकिन थोड़ी क्लास के बीच कल्ला रहन दा कोई जेड़ा हैगा रीजन नहीं है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ गुड परसन। थोड़ी क्लास के बीच हर बच्चा बहुत अच्छा है। डियर मनिंदर, यू आर कॉजिंग योर पेरेंट्स डिस्ट्रेस एंड डिप्रेशन बाय फॉलोइंग दोज बॉयज हु आर नॉट ऑफ एनी वर्थ इन योर लाइफ। और फिर टीचर जो है वह मनिंदर को, जो बच्चा बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहा है अपने मम्मी पापा से, स्कूल नहीं आता है, तो उसे समझाते हुए कहते हैं कि आप बिना वजह उन लोगों के लिए जिनका आपकी लाइफ में कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, आप उन लोगों के लिए अपने मम्मी पापा को डिस्ट्रेस कर रहे हैं, उन्हें डिप्रेशन में डाल रहे हैं। एंड Nobody can love a child more than his parents. Nobody can love a child more than his parents. Parents से ज़्यादा कोई भी बच्चों को प्यार नहीं करता। जितना प्यार आपके मम्मी पापा करते हैं आपसे, उतना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। Why are you letting the influence of those boys overpower the love of your parents? कहते कि उन बच्चों का इतना इफेक्ट हो गया कि तुमने अपने मम्मी पापा के प्यार जो है उसको छोटा समझ लिया, उनके सामने ओवर पावर हो गया उन लोगों का इन्फ्लुएंस तुम पर। नो चाइल्ड नो, बी पॉजिटिव। और फिर वो क्या कहते हैं कि नहीं बच्चे नहीं, आप सकारात्मक रहो, ठीक है। सकारात्मकता की मतलब होंगे कि तुसी पॉजिटिव रहना होंगे है, तुसी कुछ भी जड़ा है नकारात्मक विचार अपने अंदर नहीं लेके आने होंगे। वेरी गुड, कम ओवर टू मी माई सन। फिर उन्होंने अपने को बुलाते हैं। मनिंदर कम्स टू द टीचर। मनिंदर टीचर के कोल जाता है। मनिंदर सर, आई हैव अंडरस्टूड द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ माई पीयर्स। और फिर वो क्या कहता है कि मैंने अपने दोस्तों का जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, जो सकारात्मक प्रभाव है, वो देख लिया है। आई हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन इवन टर्न अ बैड फेलो मेट टू लीड द राइट पाथ विद द राइट इन्फ्लुएंस। तो कहते अगर हमारा कोई बुरा साथी है तो हम उसको सही रास्ता दिखा के उस पर एक अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट एवरी पर्सन स्टेइंग क्लोज टू अस कैनॉट बी आर फ्रेंड। और कहते मैंने ये भी समझ लिया कि हर एक पर्सन जो हमारे साथ है वो हमारा अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। तो बच्चों ये गल सही भी है। तुसी स्कूल दे विच अलग अलग तरह के बच्चों नाल मिलते हो, जिन्हां दे घर दे माहौल अलग है, जिन्हां दा कल्चर अलग है। कुछ एक बच्चे जिहड़े है तुहाडे ते चंगा असर पाएंगे, कुछ एक गलत असर पाएंगे। लेकिन बैटर यही हुंदा है कि गलत दी कंपनी छड के, उन्हां दी संगत छड के चंगे बच्चों के नाल आओ। तो जेकर तुसी एक बुरी राह ते चल भी पए हो, मान लो तो जेकर चंगे बच्चे है तुहाडी क्लास दे विच, जेकर तुसी उन्हां दी कंपनी दे विच जाने हो, तो उन्हां तों तुहानूं सपोर्ट करेंगे एक सही राह दिखाने के लिए। ये गल मनिंदर ने समझ ली सी। सर आई एम प्राउड ऑफ दिस फैलो मेट्स ऑफ माइन। फिर वो कहता कि मैं अपने इन्होंने साथियों पर गर्व है। सर यू विल नॉट रिसीव एनी कंप्लेन अगेंस्ट मी फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। और फिर वो कहता अज तो बाद तुहानू मेरे खिलाफ कोई भी शिकवा नहीं होएगा, ठीक है जी। मनिंदर टचेस इज
टीचर्स फीट, फिर मनिंदर जो है अपने अध्यापक के पैर छूता है एंड हैप्पीली सिट्स एट द डेस्क, और फिर डेस्क पे बैठ जाता है। द होल क्लास जॉइंस इन हिज हैप्पीनेस एंड द क्लास रिसाउंड्स विद अपलॉज, और सारी क्लास जो है वो खुश हो जाती है और तालियां मारती है। ठीक है जी, तो लास्ट के बीच क्योंकि मनिंदर मन गया सीगा कि हाँ जी मैं गलत सी, मैंने चंगे बच्चों की कंपनी के बीच रहना चाहिए, तो खुशी खुशी हो अपने अध्यापक के पैर छूंदा है, अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है, सारे बच्चे भी उसके इस बिहेवियर नाल खुश होंगे ने ते तालियां बजाते ने। ठीक है जी, तो ये सी तुहाडा चैप्टर 4 जिहदे विच असीं कीता मीनिंगफुल इंपैक्ट ऑफ ग्रुप कोऑपरेशन एंड लीडरशिप। आई होप कि तुहानूं ग्रुप कोऑपरेशन का मतलब पता लग गया होगा कि जदों साडे विच चंगीआं गल्लां भी हुंदीआं माड़ीआं गल्लां भी हुंदीआं, लेकिन जेकर साडे साथी चंगे है तां उह साडीआं कमियां नूं दूर करन दी कोशिश करदे आ और सानूं सही राह ते लै के जांदे आ। और लीडरशिप क्वालिटी यही हुंदी है कि तुसीं चंगे और माड़ीआं दे नाल रह के एक अच्छी अगवाई जिहड़ी आ उह दे सको। ठीक है, तुहानूं पता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन फिर भी तुसीं उहनूं समझाउण दी कोशिश करोगे, उहनूं सीधे राह ते पाउण दी कोशिश करोगे, तो एक चंगी लीडरशिप क्वालिटी यही हुंदी है। ठीक है जी, मिलते हैं एक नए टॉपिक के नाल मेरी नैक्सट वीडियो के भी। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।